द प्रमिस्ड नेवरलैंड सीजन टू के थर्ड और फोर्थ एपिसोड देखने के बाद आंखें तरस गई थी यार कब सस्पेंस देखने को मिलेगा कब अच्छी चीज देखने को मिलेगी कब कोई नई चीज देखने को मिलेगी क्योंकि फर्स्ट एपिसोड की बात करूं द प्रोमिस नेवरलैंड सीजन टू के जहां पर बच्चे भागना शुरू हुए थे वो फोर्थ एपिसोड तक भागते ही चले जा रहे थे मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि यार ये सारा सस्पेंस खराब ना कर दें क्योंकि फर्स्ट सीजन के साथ जो हमारी यादें जुड़ी हुई थी अब यार इतना लंबा खींच रहे थे थर्ड और फोर्थ एपिसोड को बस यही डर लग रहा था कि यार ये खराब ना कर दें फिर भी उम्मीद थी कि आने वाले जो एपिसोड होंगे वो अच्छे होंगे बट इतना नहीं कि यार आते आते कहीं

कर रहे हैं कि हां जो इंसान है वो कितने स्वादिष्ट होते हैं डीमंस को कितने स्वादिष्ट लगते हैं और साथ ही साथ केवल खाने के पर्पज पे नहीं ये एक तरीके से इन जो इंसान को खाएंगे तो इनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी ये ठीक हो जाएंगे ये भी बताने की इसमें कोशिश की गई है तो बच्चे जो हैं वो इस डीमंस के बीच में जैसे तैसे अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं थोड़ा बहुत खाना जुटा पाते हैं ताकि ये जिंदा रह सके और डीमंस जो है एक तरीके से इसमें दिखाया गया वही सेम टू सेम इंसानों की तरह जिंदगी जी रहे हैं यहां पर भी गरीब है सड़कों में बैठकर भीख मांग रहे हैं और मतलब वही तंगी से परेशान है जैसे इंसान रह रहे मतलब वही डीमंस और इंसान वाला वही फर्क है वो डीम जो इंसान को खाते हैं बस यही दिखाया गया और डीमंस की अपनी एक फैमिली है अब इतना सब कुछ इन्होंने दिखाया सच में बहुत खुश था मुझे लगा कि यार हाँ अब तृप्त हो गई आत्मा लेकिन इनके मेकर्स ने कहा कि भाई अभी रुको यार जितना तुम्हारा गिला सिकवा है थर्ड और फोर्थ एपिसोड को देखने का हम आपका वो सारा गिला सिकवा इसमें दूर करने वाले हैं वो ऐसे क्योंकि भाई साहब इन्होंने दिखाया ये ए यो यक मैंने पहले ही कहा था ये जिंदा है मेरे और अर्जुन वापस आएंगे आएंगे ये क्या लिखा भे बेशक फिर से हमारे सामने सवाल खड़े हो जाते हैं कि नॉर्मन ने अपने आप को कैसे बचाया कैसे वो डीमन से चंगुल से निकल के भागा और कैसे वो यहाँ पर आ गया बहुत सारे सवाल हाँ हाँ शायद आने वाले एपिसोड में हम इसका जवाब मिल जाएगा देखो कोई जल्दबाजी नहीं है आराम आराम से दिखा देना हम तो वेट ही कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एक हफ्ते में सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज कर रहे हैं यार पुराने दूरदर्शन जैसा हाल कर रखा है कि एक मतलब मूवी देखने के लिए एक हफ्ता वेट किया करते थे संडे को एक मूवी आया करती थी ये ये क्या चला रखा है यार तुमने एक साथ क्यों नहीं रिलीज कर रहे मतलब ऐसे साथ के क्या दिखाना, क्या दिखाना, साबित करना करना चाहते हो? खैर अगर आप आप लोगों लोगों ने ये एपिसोड एपिसोड देख रखा है, तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा? जिन्होंने नहीं देखा तो जाकर देखो यार ये सच बेस्ट एपिसोड रहा है दा नेवर, दा नेवर टू का। तो बस आज के लिए इतना ही है रखते हैं इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद